नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। शोहावीर साधना। दोस्तों, यह साधना 44 दिन की है। इस साधना में हनुमान जी किसी भी समय सिद्ध हो जाते हैं और एक वीर के रूप में साधक के कार्य संपन्न करते हैं। इस साधना में सबसे पहले सभी सामग्री लगा लें, फिर अपना पवित्रकरण करें। उसके बाद सभी सामग्री का पवित्रकरण करें। इसके बाद नैऋत्य दिशा में वास्तु दोष पूजन करें। सुरक्षा के लिए ब्रह्मचक्र गले में धारण करें। इसके बाद गुरु मंत्र की एक माला जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने दाहिने तरफ तांबे के लोटे में जल सामने धुना, उसमें उपले की आग रखकर उसके ऊपर देशी घी हवन सामग्री बतासे लोबान डाले। साधना काल में ये सुलगता रहे। ये साधना रात को 9 बजे से शुरू करें और 10 माला रोज जाप करें। अपने सामने बाजट पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर कासे की थाली में देसी घी का बड़ा चिराग जलाएं। लाल गुलाब की पंखुड़ी बिछाएं। चंदन की धूप बत्ती जलाएं। एक फल एक मिठाई लाल सिंदूर भी रखें। भोजन सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे करें। भोजन में खीर मिठाई फल मूंग की दाल चावल या रोटी लें। ब्रह्मचारी बने रहें। अगर साधना में कोई त्रुटि गलती हो गई तो साधक को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर साधना बीच में छोड़ दी या किसी भयानक आवाज या दृश्य को देखकर डर गए, साधक की कहानी खत्म हो जाती है। माथे पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान जी वाला अगर सिंदूर न हो तो लाल चंदन का तिलक लगाएं। साधक को स्नान गुलाब चमेली मोगरा के फूलों के पानी में करना चाहिए। साधक को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। मंत्र जाप दाहिने हाथ के अंगूठा और बीच की उंगली से करें। साधना काल में मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। पूजा पाठ करनी चाहिए। गरीबों को दान भोजन भी कराएं। जब शोहावीर सिद्ध होते हैं तो साधक के सामने प्रकट होकर उसके वचन के अनुसार कार्य करते हैं। यह वीर सिद्धि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को सिद्ध थी, जिसके बल पर उन्होंने दानवीर कर्ण का घमंड पानी पानी कर दिया था और उसी दिन से कर्ण की स्वर्ण प्राप्ति देवी चेतक सिद्धि समाप्त हो गई थी और कर्ण फिर सोना दान नहीं कर पाया। यह मंत्र दो तरह के हैं। यहाँ पर एक ही मंत्र का उल्लेख किया गया है। विक्रमादित्य जी ने यह कदम तब उठाया जब उनके राज्य की जनता के मुंह से रोज दानवीर कर्ण की जय जयकार के नारे लगते थे और उनकी ख्याति लुप्त होने की कगार पर थी। तब राजा ने यह निर्णय लिया और कर्ण के राज्य में रात्रि में वेश बदल कर गए और वीरों से पता किया कि कर्ण की सिद्धि कैसे खत्म हो। तब वीरों ने बताया कि कर्ण 12 बजे मंदिर में प्रवेश कर अपनी बलि देकर माता को भोजन
कराएगा और माता उसके शरीर को खाने के बाद उसके मांस के कुछ अंश को अमृत की बूंदें डालकर उसको जीवित कर स्वर्ण प्रदान करेगी। अब आप एक घंटा पहले जाएं और अपने शरीर को तलवार से जितना जगह से चीर सकते हैं चीरें और उसमें नमक मिर्च भर लें। फिर 11 बजे मंदिर के तेल के खोलते कड़ाही में कूद जाएं और देवी आपको भोजन कर प्रसन्न होकर वर मांगने को कहेगी। तब आप 3 वचन लें। पहले वचन में आप कहें कि उबलते तेल की कड़ाही हमेशा के लिए उलट जाए। दूसरे में आप यह स्थान छोड़कर कहीं पर्वत पर निवास करें। तीसरे में अमृत कलश का कभी मानव हेतु उपयोग न करें। राजा ने ऐसा ही किया और नमक मिर्च से युक्त देह को खाकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। तब बोली, आज तक इतना अच्छा भोजन नहीं किया था, तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है। तब राजा ने वीरों के अनुसार 3 वचन मांग लिए। रात्रि को जब कर्ण पहुंचा तो तेल की कड़ाही भी उल्टी पड़ी थी और देवी भी उनका कलश भी गायब था। कर्ण के महल में हाहाकार मच गया। फिर राजा को अपनी प्रसिद्धि पहले जैसी मिल गई। अगर इसमें साधक को किसी वस्तु की इच्छा है, यदि मुश्किल में है तो यह वीर उसको लाकर भी देते हैं, किंतु जहां से यह लाते हैं उस दुकानदार को उतने ही पैसे बाद में साधक को देने चाहिए, नहीं तो वीर नाराज हो जाते हैं। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है, शोह चक्र की बाबड़ी डाल मोतियन का हार, तमनियानी नी करी लंका करे निहाल, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, चले चौकी हनुमत वीर की दुहाई, कौन कौन वीर चले मर्दाना वीर चले, सवा हाथ जमीन को सोखंत करना, जल का सोखंत करना, पैय का सोखंत करना, पवन का सोखंत करना, लौंग को सोखंत करना, चूड़ी को सोखंत करना, पलना को, भूत को, पलीत को, अपने वरी को सोखंत करना, मेवत उपात भाग्य चंद्र करे नहीं, चलती पवन मदन सुतन करे, माता का दूध हराम करे, शब्द साचा पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। से प्रकार मंत्र जाप करें। जो साधक यह साधना करते हैं उनको त्यागी होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।